मैचों की T20 सीरीज के पहले मैच में टीम इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को हरा दिया। बारिश से प्रभावित इस मुकाबले में टीम इंडिया को डकवर्थ लुइस नियम के मुताबिक 6 ओवर में 48 रन का आसान लक्ष्य मिला, जिसे उसने 5.3 ओवर में हासिल कर लिया। टीम इंडिया की इस जीत के बाद 4 बड़े रिकॉर्ड भी बन गए। आइए आपको बताते हैं वो कौन से रिकॉर्ड हैं। पहला, जीत का अर्धशतक। रांची T20 में जीत हासिल करते ही टीम इंडिया ने जीत का अर्धशतक भी पूरा कर लिया। टीम इंडिया की T20 फॉर्मेट में 50वीं जीत है। टीम इंडिया दुनिया की चौथी टीम है जिसने T20 में 50 या उससे ज्यादा मैच जीते हैं। दूसरा, ऑस्ट्रेलिया पर लगातार 7वीं जीत। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टीम इंडिया ने T20 फॉर्मेट में लगातार 7वीं जीत हासिल की है। ऑस्ट्रेलिया को आज तक कोई भी टीम लगातार 7 मैच नहीं हरा सकी है। तीसरा, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ विराट नाबाद। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ रांची T20 में भारतीय कप्तान ने नाबाद 22 रन बनाए। आपको बता देंगे, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पिछले 5 T20 मैचों में विराट कोहली सिर्फ एक बार आउट हुए हैं। इस दौरान विराट ने 90 नाबाद, 59 नाबाद, 50, 82 नाबाद और 22 नाबाद रन की पारी खेली है। चौथा बड़ा रिकॉर्ड, रांची T20 मैच में एक ही ओवर में 2 विकेट लेकर जसप्रीत बुमराह ने रविचंद्रन अश्विन के बाद भारत के लिए सबसे ज्यादा T20 विकेट लेने वाले गेंदबाज बन गए हैं। बुमराह ने नेहरा के 34 विकेटों के रिकॉर्ड को पीछे छोड़िए कीर्तिमान हासिल किया है। अब बुमराह के 26 मैचों में 36 विकेट हैं, वहीं अश्विन 46 मैचों में 52 विकेट लेकर अभी पहले नंबर पर बने हुए हैं। फ्लेम मीडिया रिपोर्ट।